नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्केट टीम। न्यूज़ मार्केट टीम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं चीन और पाकिस्तान के उस अफवाह की, जो चीनी और पाकिस्तानी मीडिया में कल से ही लगातार चल रहा है। यह अफवाह है भारत और चीन का युद्ध शुरू हो गया है और चीन ने 158 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है। यह पूरी तरह से अफवाह है। यह चीनी और पाकिस्तानी मीडिया का दुष्प्रचार। सीमा पर ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों तरफ के सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भारत मुस्तैदी से भूटान के डोकला की सुरक्षा कर रहा है, चीन को उस विवादित एरिया में सड़क बनाने से रोक रहा है। हालांकि चीनी मीडिया इस बात का पहले से ही धमकी देती रही है कि भारत को यहां शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, उसको अपनी सेना वापस बुला देनी चाहिए। भारत बातचीत के द्वारा इस समस्या का हल चाहता था, लेकिन चीनी मीडिया के माध्यम से यह बात सामने आई कि जब तक भारत अपनी सेनाएं वहां से नहीं हटा लेता, डोकला एरिया से नहीं हटा लेता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसका भारत के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। युद्ध की जहां तक बात है कि युद्ध में 158 भारतीय सैनिक मारे गए हैं, वह पूरी तरह से निराधार है। अभी तक कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अगर युद्ध शुरू होता तो निश्चित ही है कि सिर्फ हमारे 158 भारतीय सैनिक ही क्यों मारे जाते हैं। युद्ध में दोनों तरफ की सेनाएं मारी जाती हैं। एक तरफा युद्ध कभी नहीं होता। यह सिर्फ हमारे नागरिकों को, हमारे भारतीय नागरिकों को बहकाने वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि आपको घबराने की जरूरत हो। और जैसी ही युद्ध की शुरुआत होगी, हम तुरंत लाइव होंगे आपके साथ और हर घटना की सच्चा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी तो यह चीनी और पाकिस्तानी मीडिया की चाल है भय व्याप्त करने के लिए, लेकिन हमारे इंडिया में अगर युद्ध शुरू भी हो जाता है भारत और चीन के बीच, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। चीन युद्ध करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। युद्ध के डर से भारत दुबक करके नहीं बैठेगा। आज भारत 1962 का भारत नहीं है। यह हमारे सेना के ऑफिसर्स पहले ही कह चुके हैं। हालांकि इसका काट चीन की तरफ से भी आया है कि 1962 वाला चीन भी नहीं है, वो भी प्रगति किया है। ठीक है, प्रगति के इस दौर में अब देखते हैं कि प्रगति किसकी ज्यादा है। अगर बौद्धिक प्रगति चीन ने किया है, अगर बौद्धिक प्रगति भारत ने किया है, इसका हल शांतिपूर्ण निकलेगा। अगर बौद्धिक प्रगति नहीं हुई है, अगर उसी स्तर पे चीन है, तो युद्ध होगा और युद्ध में देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यह पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान पिछलग्गू है चीन का। चीन की मीडिया के हवाले से पाकिस्तान यह खबर दिखा रहा है अपने टीवी चैनलों पे। यह खबर पूरी तरह निराधार है, इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ऐसी कोई बात होगी, हम आपके सामने लाइव होंगे, आपको सच्चा विश्लेषण, सच्ची बात बताएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज बस इतना ही, क्योंकि यह कहना बहुत जरूरी था। फिर एक अच्छे विषय पे आपके साथ वीडियो लेकर हम आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए और शेयर भी करिए। जैसे ही कोई नई बात आएगी चीन और भारत के बीच, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बस अब इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।